पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो सूर्य नारायण देवता है वो सूर्य के क्रिएटर है। जैसे अनेक ग्रह है ना, शुक्र का क्रिएटर शुक्र है, गुरु का क्रिएटर गुरु है, बुध का क्रिएटर बुध है, चंद्र का क्रिएटर चंद्र है। तो अलग अलग सारे जो ग्रह हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में माना है, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, तो एक ब्रह्मांड में जो भी ग्रह हैं वो बनाने वाले कोई ना कोई आत्माएं थी, सूक्ष्म जगत की आत्माएं थी। तो सूर्य देवता में, सूर्य नारायण देवता, तो सूर्य लोक में भी काफी आत्माएं रहती हैं। उनका शरीर अग्नि तत्व का होता है, इसलिए अग्नि तत्व में रह सकती है। अग्नि तत्व में अच्छी अच्छी वाली अग्नि तत्व का शरीर हो तो ये जलाने वाली अग्नि उसको जला नहीं सकती, अग्नि उसको जला नहीं सकती उसका शरीर। तो ये सूर्यमंडल में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आत्माएं, जैसे सूर्य नारायण देवता है तो उनके परिवार वहाँ रहते ही होंगे, कोई ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं छोड़ के चले गए होंगे। तो ऐसी तरह अनेक ग्रहों वाली आत्माएं भी ग्रहों में रहती होंगी, या कुछ आत्माएं धरती पर उतर के मनुष्य भी बन गई हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मगर रह सकती हैं। जैसे शरीर जो होता है, शरीर किसका बना होता है, जैसे अग्नि तत्व का पिंड है शरीर, पिंड माना शरीर, तो अग्नि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मना जो ब्रह्मांड में होता है वो पिंड मना शरीर में होता है। अगर स्थूल वतन में पांच तत्वों का शरीर में है तो पांच तत्वों के शरीर में है, अगर वो अग्नि तत्वों के पिंड में है तो अग्नि तत्वों के सूर्य नारायण सूर्यलोक में रह सकता है। सूर्य लोक है, लोक माना रहने की जगह, सूर्य लोक बोला हुआ है, सूर्य लोक, चंद्र लोक, चंद्र पे भी है, मैंने कई बार बोला चंद्र पे भी सूक्ष्म जगत है। पहले हमारा पितृलोक वहाँ चंद्रलोक पे रहते थे, और वहाँ स्वर्ग में जाने के लिए दो रास्ते थे, एक था सूर्य से होकर गुजरता था जब दक्षिणायन होता था, तब जब उत्तरायण और दक्षिणायन बहुत गहरी बातें हैं, अति बहुत पुरानी बातें, पहले परात की बातें हैं ना, बहुत पुरानी बातें पहले परात की, ब्रह्मा के पहले प्रात की बात है। तो दक्षिणायन उत्तरायण वो सूर्य था, उसी टाइम सूर्य भी धरती के आसपास घूमता था। अभी सूर्य सब कुछ बदल जाता है, परिवर्तन हमेशा ब्रह्मांड की हर ग्रह की स्टेज बदलती, ग्रह बदलते हैं, ग्रह के मालिक आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो ग्रह का भी विनाश होता है, उसकी जगह दूसरा बना देते हैं। तो ये सब कुछ अति बहुत गहरी बातें हैं समझ, क्योंकि ब्रह्मांड के पहले परात की बातें तो समझाना शॉर्ट एंड स्वीट होता है, समराइज होता है, सार होता है, शास्त्रों का सार समझाया जाता है, उसकी एक एक चीज समझाना, अभी धरती पर मनुष्य को समझाना, अगर हम सच्ची बात भी कहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत मुश्किल होता है। मगर जब वही बात, जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मांडों में आपस में लड़ाई करते हैं, आपस में भी लड़ाई ब्रह्मांडों में होती है, पूरे जैसे ग्रहों पर होती हैं ऐसे ब्रह्मांडों में भी होती हैं। तो ब्रह्मांडों में भी जब लड़ाई होती है सोलर सिस्टम, तो स्टार वॉर्स पिक्चर आया तो वो स्टार वॉर्स पिक्चर बना दिया तो लोग देखेंगे मानेंगे उसको समझेंगे, मगर अगर हम कहेंगे ये भी स्टार में भी है, मतलब ब्रह्मांडों में भी आपस में लड़ाई होती है, ब्रह्मांड माना अनंत कोटि, ब्रह्मांडों में भी आपस में लड़ाई माना गैलेक्सियों में भी आपस में लड़ाई है, तो नहीं मानेंगे। आज अभी एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी को खा रहे हैं, ऐसे ऊपर की बातें जो हैं साइंस वाले बताते हैं तो मानते हैं। तो ये सब बहुत गहरी बातें हैं, सबको प्रैक्टिकल बताना उनके लिए शब्द भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े ब्लैक होल है तो ब्लैक होल खा जाते हैं, तो कैसे खाते हैं, ब्लैक होल कैसे बनते हैं, तो हमने पहले भी, तो ये सूर्य नारायण देवता के अंदर, सूर्य देवता के अंदर ग्रह के ऊपर रहने वाली आत्माएं, जैसे कोई ग्रह सूक्ष्म का है, केवल वायु तत्व का है, तो वहाँ वायु तत्व का शरीर होता है, रहने वाली आत्माओं का शरीर वायु तत्व का होता है। कोई आकाश में केवल वहाँ वायु तत्व भी नहीं, आकाश है, तो रहने वाली आत्माओं का शरीर आकाश तत्व का होता है, उसमें
वायु ना के बराबर, जैसे 80% आकाश तत्व, 10% वायु और 10% अग्नि तत्व, ऐसा शरीर होता है। शरीर का कॉम्बिनेशन, तीन तत्वों में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग। जो हमारी बहुत पुरानी बुक थी उसमें शरीरों का अलग अलग कॉम्बिनेशन पे मैंने बहुत गहरी बात की है, मगर वो शायद बुक कभी नहीं मिलेगी। परम शांति, परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.